नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक फिर वीडियो लेकर के आया हूं और आप टाइटल पे देख चुके होंगे। मैं इसमें दिखाने जा रहा हूं आपको टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ड्राइव एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ बगल में ही हमारे शहर में फोक्सवैगन का सर्विस सेंटर है जो कि मैं गया था सर्विस देने के लिए गाड़ी, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बिल आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है नेक्सॉन। हालांकि इसके पहले टाटा ने दो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की हुई थी, एक नेक्सॉन और एक टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल। टिगोर तो अभी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, कुछ दिन बाद फिर से रीलॉन्च करने का ऑप्शन उसमें दिया गया जब से उसका नया मॉडल फेसलिफ्ट आया हुआ है। ये जो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है सेम ऐसे ही है जैसे नॉर्मल आपकी टाटा नेक्सॉन होती है, आप सब ने देखा भी होगा, कई सारे रिव्यूज़ देखे होंगे। और उसके साथ साथ जो इसका पावर है थोड़ा सा बैटरी ऑपरेटेड है तो ज़्यादा है, 127 BHP की पावर है और 245 Nm का टॉर्क है। तो क्या महसूस होता है इस गाड़ी को चलाने में, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसा लगता है, क्या चीज़ें आपको इसके अंदर, केबिन कैसा लगता है, इवन आपको बैठने में क्या कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि डिस्कम्फर्ट, जैसे डीजल गाड़ियों में लोगों को बैठने में बहुत से लोगों को वोमिट फील होती है, एक अजीब टाइप की स्मेल आती रहती है, साथ ही साथ पेट्रोल गाड़ी होती है तो उसका माइलेज क्या आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या माइलेज आएगा। आपको रेंज पता है इस गाड़ी की, जो रेंज कंपनी क्लेम करती है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की क्लेम करती है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे नॉर्मल मोड पे चलाएंगे तो नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी आपको 250 से 270 के बीच में आपको माइलेज दे देती है। एक्सेलरेशन बहुत बेहतर है, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चला देते हैं तो मान के चलिए 200 किलोमीटर तक चलेगी बस। तो अभी तो ओवर स्पीड डिटेक्ट कर रहा है, चूँकि हम इसकी स्पीड टेस्टिंग भी कर रहे थे कितना स्पीड जा रहा है और इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। आप इसकी वॉइस पीछे की सुनिए और ये देखिए कि बैकग्राउंड नॉइस कितनी आती है, सिर्फ एसी की नॉइस सुनाई देगी। है तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव ना। अच्छा, ब्रेक रीजनरेशन भी है। जी सर, जो थोड़ा सा आपको नॉइस सुनाई दी होगी या तो टायर की होगी क्योंकि रोड जो है RCC है, या फिर आपको AC की नॉइस सुनाई देगी। अगर हमने बीच में इसमें AC भी बंद करके देखा, सिर्फ टायर की नॉइस आती है, बाकी कोई आवाज़ आपको इसमें नहीं सुनाई देगी क्योंकि इंजन की नॉइस नहीं है। एक्सेलरेशन बहुत बेहतर, आप तुरंत देखिए इंस्टेंट कैसे मीटर तुरंत ऊपर बढ़ता है, स्पोर्ट्स मोड में हम गाड़ी चला रहे हैं और बाकी की सेम फीचर्स वैसे ही हैं ये जैसे कि नॉर्मली आते हैं। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल इसके एकदम टॉप वेरियंट में दिया गया है, जो यहाँ पर गाड़ी है उसमें नहीं है, तो एक लैग मेरे को लगता है कि अगर शायद आपका टॉप किसी भी वेरिएंट पे स्पोर्ट्स क्रूज़ कंट्रोल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना, चूँकि सिर्फ एक रेगुलेटर टाइप का है जो आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स, ये तीन मोड आपके मिलते हैं। तो अगर आप अभी मैं जो गाड़ी ये चल रही है 140 के अराउंड चल रही है और सिर्फ हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्या इतनी हाई स्पीड में इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्सेलरेशन है, क्या गाड़ी का वेट इसके ऊपर कोई प्रभाव डालता है, नहीं डालता। ब्रेकिंग भी बहुत बेहतर है, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, सारी चीज़ें, मतलब ये आप लगेगा नहीं कि आप एक तरह से बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चला रहे हैं जिसमें आपको टॉर्क की कमी महसूस होती है, या जब कभी आप सडन एक्सेलरेट करें तो जो एक मिसिंग होती है वो चीज़ इसमें नहीं होती है, आपको इंस्टेंट सारा रिजल्ट मिलता है। हालांकि गाड़ी की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ें आपको नेक्सॉन की पता है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आउटडेटेड है, हालांकि जैसे आपने नॉर्मल वेरिएंट में XM में आपने इसको लॉन्च किया है जिसमें आपने सनरूफ और टायरट्रॉनिक्स और उसके साथ साथ ESP और तरह तरह के फीचर दिए हुए हैं। ये चीज़, इसकी प्राइसिंग जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती, 17 लाख की आपकी ये गाड़ी जाती है तो मेरे को नहीं लगता 17 लाख रुपये बहुत कम है। अगर ये गाड़ी वास्तविकता में आपकी 13-14 लाख के आसपास इसका बेस मॉडल होता तो बहुत ज़्यादा बिकती, और कहीं अगर इसका 15-15.5 लाख में टॉप मॉडल इसका होता तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई बेट ये गाड़ी शहर के सारे लोग लेते, किसको लेनी चाहिए गाड़ी अब, अगर इस प्राइस पे 17 लाख की प्राइस में ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए। मैं बताऊं, अगर आपका डेली कम्यूट शहर का है, मतलब आपका शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटी, लखनऊ, आप इस जगह पे हैं, जयपुर हैं, और आप लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रोज़ कम्यूट कर रहे हैं,
तो आपके लिए ये गाड़ी बहुत बेहतर है आपके पास। लेकिन एक गाड़ी दो गाड़ी और जब हो, मान लीजिए आपको हाईवे पर ट्रिप करना हो, किसी और जगह आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो चूंकि अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं है, फास्ट चार्जिंग से इसके जो बैटरी बैकअप होती है वो थोड़ी कम होती है। एक घंटे में फास्ट चार्जर से ये गाड़ी पूरी 100% कर तो देगा, लेकिन जो बैटरी का बैकअप होगा वो उतना ही कम होगा। अगर इसे आप नॉर्मल चार्जर से, स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे तो लगभग शायद 3 घंटे या 4 घंटे का समय लग जाता है, और लेकिन उसका बैकअप ज़्यादा होता है, पर इतना समय नहीं है। आप ओवरनाइट लगा करके घर में इसको छोड़ सकते हैं स्लो चार्जर से, तो सुबह तक आपकी फुल चार्ज हो जाएगी, और फिर आप कहीं भी जाइए लगभग 150-200 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप शहर में चलते हैं, एक दिन की आपकी पूरी कम्यूट 100 किलोमीटर की है या 150 किलोमीटर की है, तो आपकी गाड़ी ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपका ऑफिस है, आपको जाना है चले आना है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर भी जाते रहते हैं, आउट ऑफ द सिटी आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। और हम ये तो नहीं कर सकते कि अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या ऑफिस में जाएँ तो चार्जर लेकर के जाएँ, भाई साहब जरा चार्जिंग लगा दीजिएगा। 2-2.5 किलोवाट का ये चार्जर चार्ज करेगा, अगर एक घंटे में भी चार्ज आया तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी, बिजली का बिल उनको बढ़ेगा, लोग घर में बुलाना बंद कर देंगे। शुरुआत में तो नहीं पता चलता, लेकिन मैं आपको बताऊं जिसकी रनिंग कॉस्ट आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 रुपये किलोमीटर के आसपास आएगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 1 रुपये किलोमीटर मेंटेनेंस और सारी चीज़ें लेकर के 2 रुपये किलोमीटर आपकी रनिंग कॉस्ट आती है। तो ये एक हिसाब से आप देखिए तो बेहतर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ शहर में चलाते हैं तो जब चार्जिंग पॉइंट खुल जाए, हालांकि कुछ जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए अभी सरकार से कुछ बातें की हुई है, तो अगर वो चार्जिंग पॉइंट खुल जाते हैं तो फिर आप इसको किसी भी ट्रिप पे ले जा सकते हैं, एक्सप्रेस वे पे ले जा सकते हैं जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे आप जा करके। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आपको सामने मिलेगी ये है कि आपको अगर आप इसको फास्ट चार्जर से भी चार्ज कराना है तो 1 घंटे समय आपको देना पड़ेगा। क्या करेंगे आप 1 घंटे? आप 1 घंटे करेंगे क्या? मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल गाड़ी है, 5 मिनट में 10 मिनट में रिफ़िल हो जाती है, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसीलिए उसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। सर्विसिंग की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी सर्विसिंग जो आती है जनरली 1500 से 2500 रुपये के आसपास आती है हर 15,000 किलोमीटर पे। तो सर्विसिंग तो बिल्कुल नाम की है, कुछ नहीं, एक पैसे नहीं लगने। आप ये मान के चलिए कि 15,000 किलोमीटर पे अगर हमको 3,000 रुपये भी देने पड़े तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट कम है। लेकिन आप ये चीज़ मानिए कि 1 घंटे अगर आप, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट है पेट्रोल पंप पे, आप जाइए वहाँ लंच करिए। आप इस तरह के शौक रखते हैं कि आप 1 घंटे चार्जिंग लगा करके रेस्ट करिए, बैठिए, या कहीं पे कोई लॉन्ज हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ऑनर हैं उनको बैठने की जगह मिले, तो एकोमोडेशन अगर आपको मिल रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा ये गाड़ी मेरे हिसाब से थोड़ा सा शहर के लिए बेहतर है, हाईवे के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि आपको चार्जिंग नहीं कर सकते हर जगह पे। एक जो फीचर कहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग देते हैं वो ये है कि ब्रेक मारने पे ऑटोमेटिकली इसकी बैटरी चार्ज होती है, पर कितना चार्ज करेगी। बहरहाल अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी बहुत बेहतरीन है, सिमिलर बिल्कुल एज अ नेक्सॉन, परफॉर्मेंस टॉर्क बिल्कुल आउट स्मार्ट करता हर चीज़ को, और मेड इन इंडिया है, तो हमें बहुत पसंद आई ये गाड़ी, बहुत पसंद आई। आगे बात करते हैं फोक्सवैगन की सर्विस भी, ये गाड़ी हम सर्विस करा रहे हैं, आप देख सकते हैं नाम है फोक्सवैगन। कस्टमर एक्सपीरियंस बताऊं आपको, शायद आप लोग भी इस चीज़ को फील कर चुके होंगे। मैं गया गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, और क्या हुआ, पानी तक कोई नहीं पूछता। आप इनकी कस्टमर लाउंज में जाके बैठ जाइए, अगर आपने इनको सुबह 9 बजे गाड़ी दे दिया है, शाम को 4-5 बजे से पहले आपको गाड़ी नहीं देंगे, चाहे वो फ्री सर्विस हो, पेड सर्विस हो, 15,000 किलोमीटर की हो, 40,000 किलोमीटर की हो, डजन मीटर। अपॉइंटमेंट पे ही काम करेंगे हम, अपॉइंटमेंट लेते हैं 1 दिन पहले, अगर फ्री हुआ तो 5 गाड़ी 10 गाड़ी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और आपको बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनके कस्टमर लॉन्च में जा करके बैठिए और अपने आँख से देखिए कि सर्विस में क्या होता है, आप भूख से मर जाएंगे। या तो आप स्वयं, क्योंकि इनका जो हमारे शहर में कस्टमर जो सर्विस सेंटर बना हुआ है कस्टमर्स के लिए, वो बहुत दूर बना हुआ है, उसके आसपास आपको कोई रेस्टोरेंट या कोई टी स्टॉल तक नहीं मिलेगा। और इनके यहाँ कॉफ़ी तक आपको नहीं पूछे, छोड़ दीजिए आपको एक ग्लास चाय तक नहीं कोई पूछेगा, एक ग्लास पानी नहीं पूछने वाला। आप मांगेंगे तो भले आपको कोई दे दे, वो भी सिर्फ पानी, चाय वाय कोई बिस्कुट नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं, कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप इनके गाड़ी परचेज़ करते समय सर्विस, आप शोरूम पे जाएंगे जो इनके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बना हुआ है, तो वहाँ पे आप 2-3 बार कॉफ़ी मांगिए, वहाँ पर आपको देंगे। मेरे को लगता है एक तरह की हॉक्स कॉल दी जाती है, बस किसी तरीके से एक बार कस्टमर को उल्लू बना करके आप फंसा लीजिए। जब एक बार वो गाड़ी ले लेगा तो सर्विस तो कराएगा ही कराएगा, फिर मैं उसको पानी दूँ या वो भी ना दूँ,
शायद ये सोचते हो कि हमारी जो गाड़ी बायर होते हैं, कार बायर है, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल वाले होते हैं, वो अपने ड्राइवर्स को भेज देते हैं और गाड़ी सर्विस कराते हैं, स्वयं नहीं आते तो हम उनके लिए फैसिलिटीज़ क्यों रखें। भाई साहब, ड्राइवर जाए या कोई भी जाए, ये सुविधा अच्छी नहीं है। बहुत बार बहुत सारे कस्टमर मेरी तरह जाते हैं कि देखने के लिए कि आप क्या करते हो गाड़ी में, और वास्तविकता में जब ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है तो बहुत पुअर एक्सपीरियंस होता है। मैंने कुछ अंदर जहाँ कस्टमर लॉन्च था उसकी भी फ़ोटोज़ ऐड की हुई है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये बिल्डिंग जब से 15 साल पहले बनी हुई थी, 10 साल पहले बनी हुई, वैसे की वैसे ही है। 10 साल से मैं इस सर्विस सेंटर को देख रहा हूँ। लगभग 2010-11 में सर्विस सेंटर हमारे शहर में बना था और तब से आज तक पेंट नहीं हुआ। देख करके अभी हालत आपको लगेगी, आप देखिएगा आगे। और सर्विस इतनी ज़्यादा आपकी महंगी है डीजल गाड़ियों की, इतनी ज़्यादा महंगी कि उसमें आप किसी भी गाड़ी को 2-3 बार सर्विस करा लीजिए। आप 15,000 किलोमीटर की क्लेम करते थे, टाटा भी 15,000 किलोमीटर का क्लेम करता है, नेक्सॉन की सर्विस 6,000 रुपये में हो जाती है और इसी के जस्ट डबल या शायद 2.5 गुना रेट आप लेते हैं अपनी एक गाड़ी को सर्विस कराने के लिए। तो आप ये सोचिए कि आप इतना प्राइस ले रहे हैं, इनका लेबर चार्ज आपको पता है 2,500 से 2,700 रुपये के आसपास सिर्फ लेबर चार्ज है, जो नॉर्मल गाड़ियों का 1,800 और 2,000 रुपये होता है। कुछ गाड़ियों का 3,000 रुपये तक लेबर चार्ज ही आपसे लेते हैं और इंजन ऑयल आपका लेते हैं 6,000 रुपये का, 5,000 रुपये का GST लेके। फ्यूल फिल्टर आप बदलते हो 2,000 रुपये का, इंजन ऑयल फिल्टर आप बदलते हो 600 रुपये का, अलाइनमेंट आप 1,500 रुपये का करते हो। और आपको पता है अगर आप बाहर से कहीं अलाइनमेंट करा के आते हो, इनके यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आप बाहर से कहीं अलाइनमेंट करा लेते हो तो ये चेक करेंगे और इनको ये लगा, इनके यहाँ एक टाइम लिमिट है। इनके यहाँ इससे मतलब नहीं कि आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट है या नहीं है, बैलेंसिंग है या नहीं है, इनके यहाँ टाइम लिमिट है 15,000 किलोमीटर पर अलाइनमेंट हम चेक करेंगे। और वो चेक करिए, चाहे हो या ना हो, अगर होगा तो वेट का पैसा अलग से लगेगा, नहीं तो 1,500 रुपये आपको देने ही देने हैं। अगर वेट लगता है तो भी 1,500 रुपये वो कर देंगे, बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगता तो, बहुत ज़्यादा वेट लगेगा तो उसका अलग से चार्ज करेंगे, थोड़े बहुत वेट में आपका 1,500 रुपये में कर देंगे आपका, चाहे आप बाहर से 10 किलोमीटर पहले आपने सर्विस कराया हो। ये आप ज़रा देखिए क्या साफ़ सफाई है, क्या लुक है, ये आपको देख के लग रहा है किसी तरीके से गाड़ी डेंट पेंट की गई है, ये एरिया डेंट पेंट किया गया है। हम फोक्सवैगन लेके जा रहे हैं जर्मन टेक्नोलॉजी, और ये जर्मन टेक्नोलॉजी का कस्टमर एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ क्या एक्सपीरियंस मिला, और चार्ज कितना आया फाइनली मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। 14,000 रुपये आए थे, जिसमें से उन्होंने 1,500 रुपये का हॉर्न अलग से लिया हुआ था उसका, चूँकि वो हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिला था नया गाड़ी लेते समय, लेकिन हम उसको सर्विस सेंटर पर लगवा नहीं पाए थे, तो वो जब अवेलेबल हुआ तो उन्होंने मेरे को बिल में दिया, फिर बिल में से उतना पैसा डिडक्ट कर दिया। ये है कस्टमर, देखिए पेंटिंग देखिए आप, ये जो सामने आप पोस्टर बैनर देख रहे हैं ना, ये तभी का लगा हुआ है, 10 साल पुराना, पेपर के देख करके लग रहा है आपको। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो पेपर के पीलापन जो आता है वो देख करके लग रहा है कि ये तब से पुराना। टीवी ऐसे दिन भर बंद रहती है, इनके टाटा स्काई में रिचार्ज नहीं होता, वो दिन भर ऐसे बंद रहती है। पेपर की क्वालिटी देखिए, हिंदी का पेपर सामने पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, एक इंग्लिश का भी रख दो। ऐसे लोग बैठे रहते हैं बस दिन भर, कोई नहीं आपके मैगजीन्स नहीं, कोई नहीं आपको ब्रशर्स नहीं, किसी गाड़ी की कोई, अरे भाई आपकी गाड़ियाँ आप मैगजीन्स कुछ तो दोगे, कम से कम आदमी टाइम पास कैसे करेगा, कुछ नहीं है आपके यहाँ। सब जगह पे लगता है लीकेज हो रहा है, पानी भरा रहता है, उसको साफ़ किया गया है, आपके जितने भी फाल सीलिंग है वो उसको सुखा करके किसी तरीके से रोका गया है, मतलब पूरी तरीके से पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। इनकी शोरूम सर्विस सेंटर के अंदर कोई कैसे भी गाड़ी लगा के चला जाए कोई मतलब नहीं है, कोई बताने वाला नहीं कि अंदर खड़ी करो, बाहर खड़ी करो, कैसे खड़ी करो, कोई मतलब नहीं। और आप इतना मानिए कि मैं आपको ये बता दूँ कि जो सर्विसिंग का मैं आपसे बात कर रहा था, 14,000 कुछ रुपए का, 700 रुपए का लगभग बिल बना था, 1,500 रुपए डिडक्ट करके 12,500 रुपए, 12,000 रुपए के आसपास चार्ज हुआ। 12,000 रुपए हम दे रहे हैं नॉर्मल सर्विस के लिए, जिसमें कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ, मेजर वर्क नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, ये हॉर्न है, इस पर 1,500 रुपए प्रिंट है, और यह हॉर्न है बना हुआ चाइना का, जो लोग कहते हैं ना कि फोक्सवैगन का ओरिजिनल हॉर्न, यही है, यही है, मेड इन चाइना।
और असेंबली के साथ में आता है 1500 या 1700 रुपए के आसपास का हार्डनेस शायद ये, और जो उन्होंने मेरे को 1500 अराउंड बताया वो मुझे याद था, और उतनी ही रुपए फिटिंग चार्ज है, 1500 रुपए का हॉर्न, 1500 रुपए फिटिंग चार्ज, जो मुझे उन्होंने बताया कि आप कहीं और कराएंगे तो वो लगेगा नहीं, हम करते हैं तो हम इतना फिटिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया था तो हम उसमें फ्री में फिट करके देंगे, बस नया अगर कोई लगवाता है तो इतना रुपए चार्ज। और उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें आती हैं, एक ये कपलर टू कपलर वायर और एक स्टैंड ताकि आप उसको रोक सकें। ये है फोक्सवैगन। हम इसलिए फोक्सवैगन की गाड़ी वाले, चाहे आप GTTSI लीजिए, चाहे GTI लीजिए, चाहे आप अमेयो लीजिए, चाहे आप टिगवान लीजिए, कोडियक लीजिए, सर्विस वही होगी जहाँ एक कप चाय नहीं पूछा जाएगा। कोई यार एक कप चाय के लिए नहीं मारा जाता, आपका कस्टमर रिलेशनशिप क्या है वो इंसान देखता है। बेकार से बेकार शोरूम में आप चले जाइए जिसकी इनकम कुछ नहीं होगी, छोटी सी छोटी कंपनी में आप अगर 10 बार चाय मांगेंगे तो वहाँ पे 10 बार चाय बिस्किट आपको दिया आता है। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ, खैर इनका पॉलिशिंग नीट एंड क्लीन सब कुछ बहुत बेहतर था, वर्क काम इन्होंने ठीक किया, पॉलिश इन्होंने ठीक किया, सारी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन अप टू द मार्क मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जो एक कस्टमर को एम्बियंस महसूस होता है, जो वहाँ पे जाने पे उसको लगता है कि हम अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए आए हैं, हमको कुछ मिलना चाहिए, कुछ फीडबैक मिलना चाहिए, कोई कॉल फीडबैक के लिए नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कोई एक चीज़ नहीं होती यहाँ पे, बस फॉर्मेलिटी है कि जब तक हम चल रहे हैं हम चल रहे हैं। फोक्सवैगन पता नहीं क्या कर रहा है, ये कभी किसी के क्लेम सुनता नहीं, आप मेल करिए कोई रिस्पॉन्स नहीं, कॉल करिए कोई मतलब नहीं। शायद फोक्सवैगन भी ये समझ चुका है कि हम अगर इनसे हटा करके दूसरे किसी को देना चाहें तो कोई लेगा तक नहीं। अरे फोक्सवैगन वालों आप अपना सर्विस सेंटर खोलो, नहीं तो लोग आपकी गाड़ियां लेना मना कर देंगे। साल में वैसे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 100 गाड़ियां आप बेचते होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच पाते हो। मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, एक शहर में साल में 100 गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा बेचते होंगे, और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं होता। और आपको बताऊं एक और बहुत बढ़िया बात जान लो, आपका अगर फोक्सवैगन से अगर 2 किलोमीटर भी दूर हो सर्विस सेंटर से, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो पिक एंड ड्रॉप को अगर आप आज अपॉइंटमेंट लगाते हो तो 4 दिन बाद गाड़ी ले जाएंगे और उसका 600 रुपये पिक एंड ड्रॉप सर्विस का चार्ज लेते हैं आपसे, चाहे आप 1 किलोमीटर रहते हो चाहे आप 10 किलोमीटर रहते हो। वाओ, इकलौती कंपनी है, इकलौती कंपनी है ऐसी। मतलब अगर ऐसा मेरे को मेरी गाड़ी लेनी होती तो मैं तुरंत बेच देता, या मैं बाहर कहीं सर्विस कराने लगता, ये आप मान के चलिए। इनके यहाँ अगर आपने क्लेम में गाड़ी डाल दी एक्सीडेंटल क्लेम में, तो आपकी गाड़ी का ये एक आइडियल टाइम ही 1 महीना लेते हैं। गाड़ी बेचते समय आप कहते हो अमेयो मेड इन इंडिया है, सारे पार्ट्स यहीं बन रहे हैं, बाद में आप कहते हो हम पार्ट जर्मनी से मंगाते हैं, आपकी बात को हॉजपॉज कुछ समझ में नहीं आता। आपका शोरूम वाला अलग झूठ बोलता है, सर्विस सेंटर वाले अलग झूठ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बिल मैंने टैग कर दिया है ताकि लोग देख सकें, हो सकता है थोड़ी सी ब्लर हो गई हो, ये आपकी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने और इनके यहाँ बिल हार्ड कॉपी नहीं देते, व्हाट्सएप करके ही आपको देंगे। जो मैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में आपको बता रहा हूँ, मैं उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, एक नट का 300 रुपये 400 रुपये आप ले लेते हो, छोटे से नट का जो 10 रुपये का 8 नंबर का नट आता है, 8 नंबर का नट आता है, जो किसी सर्विस सेंटर में 20-30 रुपये का मिलता है, आप वो भी जर्मनी से मंगाते हो। तो मुझे तो वास्तविकता में एक ये शॉकिंग थोड़ा सा लगता है कि इनके जो ग्राहक हैं वो या तो फिर एक मतलब ऐसे होंगे कि जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, और दुनिया भर के लोग अपने लेबर चार्ज को कम कर रहे हैं, अपना सर्विसिंग कम कर रहे हैं, और ये लोग अपनी सर्विसिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इनकी अमेयो की सर्विस 10,000 रुपये में डीजल गाड़ी की हो जाती थी, अब उन्होंने 13-14 हज़ार कर दिया। पेट्रोल गाड़ी की सर्विसिंग 9,000 रुपये में होती है, आप लोग जान लीजिए, पेट्रोल फोक्सवैगन पेट्रोल की सर्विसिंग 9,000 रुपये में होती है। ये कितना भी 15-16-18 का माइलेज बताएं, 15 से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं माइलेज देगी, हाईवे पे बता रहा हूँ, हाईवे पे 15 से ऊपर माइलेज नहीं देगी, डीजल गाड़ी 18 से ऊपर माइलेज नहीं देती है। ये एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहना है आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा फोक्सवैगन बहुत ख़राब है, परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बेहतर है गाड़ी की, कंफर्ट नहीं मिलेगा अंदर आपको बैठने में, सिर्फ बैक साइड में तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं मिलेगा, पैर फंसेंगे, घुटने फंसेंगे, सब कुछ होगा, चलाने में बहुत बढ़िया ड्राइविंग प्लेजर है, पर थोड़ा सा सर्विस सुधारो फोक्सवैगन वालों,
थोड़ा सा कुछ सीखो। टाटा ने कैसे खराब सर्विस दी थी, कैसे खराब परफॉर्मेंस इनकी गाड़ियों की थी, लेकिन देखिए बाउंस बैक किया उन्होंने। कुछ सीखिए आप लोग भी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।